क्या बेचने के नियत से आया, तो फिर वो उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। सर रात में कौन थाना वाला हम लोग को ये सपोर्ट करे, दिन में नहीं करता है तो रात में कौन करेगा हम लोग को, सारा थाना तो वही लोग का है। लेकिन इतना भी गिर करके काम ना करे कि आदिवासी समाज को उजाड़ने का काम करे। सैकड़ों सैकड़ों गैर मजूरवा जमीन कैसे प्लॉटिंग किया हुआ और बेचा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग प्रशासन के पास नहीं गए थे। नहीं, कौन आप काम रोकने वाला है, हम कहीं काहे नहीं रोकेंगे, कहीं के गाड़ी को ऐसा करके अथी कर डंटा अथी में रोको गाड़ी। जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीन भारत की टीम रांची के अनुसूचित जनजाति थाना में पहुंची है, जहां पर आज फिर से एक जमीन दलाली का मामला सामने आया है। और ये जमीन दलाली कहां हो रही है, आइए जानते हैं, और क्या मामला है ये भी जानते हैं। ये मामला है, आज देखिए आज हम लोग एसटीएससी थाना में आए हुए हैं, और हम लोगों को बार बार आना पड़ता है क्योंकि आज हमारे आदिवासी समाज के साथ इतना घोर अन्याय हो रहा है, और यहाँ की ज़मीनें छीनी जा रही है, और जितने भी गैर आदिवासी लोग हैं हमारे आदिवासियों की ज़मीन पर उनकी नज़र पड़ी हुई है। और इसी तहत बाजरा मौजा के खाता नंबर 119 में, जो कि लगभग 200 एकड़ ज़मीन है, उसमें से लगभग एक एकड़ ज़मीन पर आदिवासी समाज का सरना स्थल है, जो वर्षों से वहाँ लोग पूजा पाठ करते आए हैं, और उस जगह पर आज दलाल उसमें डोजरिंग करके उसको पूरा समतल किया जा रहा है, और कल को हो सकता है प्लॉटिंग करके वो बेच भी दे उस ज़मीन को। तो उसको उसके लिए कल महिलाएं जब रोकने के लिए गई तो वहाँ पर उनके साथ गाली गलौज किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, मारपीट की गई। तो ये कब तक लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, आदिवासी समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर प्रशासन एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो समाज एक्शन लेने के लिए तैयार है, और जो भी दलाल वहाँ पर अगर आते हैं तो वो समझ ले कि समाज एकजुट हो गया है, और हम अपने धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर वो लोग नहीं माने, नहीं चेते, तो फिर आगे हम लोग सीधा आर पार की कार्रवाई करेंगे, और उस जगह पे जो भी डोजरिंग करने के लिए आया या प्लॉटिंग करने या बेचने के नियत से आया, तो फिर वो उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। आज थाना में आए लेकिन थाना प्रभारी नहीं है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप आवेदन दे दीजिए, मैं इस पर पूरी कार्रवाई करूँगा। अगला एक्शन तो अब देख प्रशासन के समक्ष हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग कानून की इज्जत करते हैं, पहला हम लोग कानून से संरक्षण पाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग एसटीएससी थाना आए, क्योंकि स्पेशली एसटीएससी थाना हमारे आदिवासी समाज के लिए है और दलित समाज के लिए है। तो हम लोग पहले यहाँ आए हैं, अगर यहाँ से भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हम लोग समाज इस पर खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा और बाधित भी होगा। मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। कल जो घटना हुआ बजरा बरियातु कुंबा टोली में, जहाँ सरना स्थल है, जहाँ ईंद का मेला लगता है, कई वर्षों से लगाते आ रहे हैं, वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, दूसरा वहाँ पे मैंने कला संस्कृति नाच गान, और वहाँ के आदिवासी वहाँ का कल्चर से रहते जीते खाते हैं। वहाँ पे कल सरना स्थल पे हमारे गांव के बजरा के कई महिलाएं बृहस्पतिवार को विनती उपवास करते हैं, उसी उपलक्ष में वे लोग गए थे, लेकिन कुछ देर के लिए वहां से नाश्ता पानी के लिए थोड़ा गए, तो उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व जो कई तरह का नाम है, पांडे या शर्मा झा, इस तरह के जो बाहरी सामाजिक तत्व हैं, जो आ करके उस सरना स्थल पे ईंद टाड़ पे ज़बरदस्त जेसीबी चलाने लगे, और जब हमारे माँ बहनें मना कर किए तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती हाथ डाल करके कोलीन काली गाय, तुम लोग मांस खाने वाले छुछुंदर लोग, तुम लोग जंगल में ही सोपते हो, तुम लोग यहाँ कर रहने लायक नहीं हो, इस तरह करके बहुत सारा गाली गलौज किया, और उनके शरीर के कपड़ा भी घींचा ताना करके उनको तमाचा भी मारा गया। ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत चैलेंज की बात है, अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, सरकार कोई ध्यान नहीं देगी, कोई प्रशासन अगर हमारा कोई ध्यान नहीं देगा, तो हम लगता है कि हम लोग को खुला चैलेंज दे रहे हैं, और हम लोग को अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम लोग कभी मैंने पिंजरे में बंद
दिखेंगे। इसलिए हम प्रशासन से और थाना प्रभारी से भी हम लोग निवेदन किए कि कम से कम 25 एकड़ जो एक बाउंड्री हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एक एकड़ पर हमारा किसी तरह का काम ना हो, लेकिन हमारा आवाज़ किसी तरह नहीं सुनवाई दिया। और बड़ा बाबू थाना, बड़ा बाबू या थाना के लोग वहाँ जा कर के काम कराया है। इसलिए हम थाना पंडरा ओपी के थाना एसआई हो या जो भी वहाँ पे थे, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीन का मामले में लोग खड़े होते हैं दलाल की ओर से, और हमारे आदिवासी समाज की ओर से खड़ा नहीं रहते हैं। इसलिए आग्रह करते हैं थाना का बड़ा बाबू से, पंडरा ओपी का थाना प्रभारी से, कि उस स्थान पे ये हमारे हम आदिवासी पर मने रहम करे, हम मने उस ज़मीन को सरना स्थल को बचाने के लिए संरक्षण दे, वहाँ पे नापी जोखी करा के किसी तरह का अतिक्रमण ना होने दे, और नहीं तो पूरे मने ये खुला चैलेंज है। और आदिवासी समाज अब जाग चुका है, अब आंदोलन शुरू हो चुका है, दीपक जल चुका है, प्रकाश जल चुका है, पूरे झारखंड के अब आदिवासी संगठन समाज आदिवासी नेतागण वहाँ जमा होंगे। और जो हम लोग चाहे थे कि 25 एकड़ ज़मीन हम लोग मने चलिए कोई बात नहीं हम लोग देते हैं, लेकिन ये लोग आप 25 एकड़ ज़मीन पे हम लोग कैसे एसडीओ और डीसी और मुख्यमंत्री से उनका जो डीड मोटेशन रसीद करने का मांग करेंगे। और जो इस तरह का बाउंड्री वाल कर रहा है जो ब्रोकर भाई लोग को, वहाँ पर हम लोग मने पूरे आदिवासी समाज के यंग लड़के लोग या औरत लोग उनको घेराबंदी करके उनको सेंद्रा करने का काम करेंगे। मने आज उल गुलान हम लोग शुरू करते हैं, और यहाँ पे कई संगठन के लोग हैं आज, मने इन दलालों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये लोग चेत जाए, ये लोग बार बार हम लोग कह रहे हैं कि इनको सुधर जाए, कोई बात नहीं ज़मीन का काम करें, लेकिन इतना भी गिर करके काम ना करें कि आदिवासी समाज को उजाड़ने का काम करें। कई यहाँ 20-25 लोग आ करके मने आदिवासी लोग को उल्टा सीधा गाली गलौज काली गाय इस तरह करके बोले हैं। आज इसी उपलक्ष में हमारे गांव के सीधे साधे उदार महिलाएँ एसटी थाना में आए हैं और उलगुलान कर रहे हैं कि अब ये लोग सुधरे, और नहीं तो घर से घर में जा करके हम लोग इनको सिखाने का काम करेंगे। इतना ही कह करके मैं राजेश लिंडा, आदिवासी सेना केंद्रीय सचिव। देखिए आज हम लोग एसटीएससी थाना आए हैं, चूँकि बताना चाहिए कि कल बीफे का दिन था, बीफे के दिन को सरना समाज अपने सरना स्थल पे पूजा करने जाया जाता है, परंतु कल क्या हुआ, ऐसी निंदनीय घटना घटी सरना स्थल पे। कुछ बिल्डर या दल भू माफिया तत्पे के लोग वहाँ जैसे भी चलाने लगे, जब हम लोग की महिला जाके वहाँ मना करने लगी तो ये लोग को गाली ग्लोज, आदिवासी सूचक गाली ग्लोज किया, ये लोग के साथ कपड़ा फाड़ने का प्रयास किया गया, बहुत लोग को तो चोट भी लगा है। तो हम बताना चाहेंगे कि देखिए ये व्यवस्था की ज़मीन है, आदिवासियों की व्यवस्था की ज़मीन है, उस पर कैसे कर रहे हैं। रैयती ज़मीन रहती तो चलिए कोई बात था, कोई ना कोई मिल उल के बेचा होगा, पर यहाँ व्यवस्था की ज़मीन है। अब जाके देखिए बाजरा मौजा में सैकड़ों सैकड़ों गैर मजूरवा ज़मीन कैसे प्लॉटिंग किया हुआ और बेचा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग प्रशासन के पास नहीं गए थे, ये मुख्यमंत्री से लेके छोटे पदाधिकारी तक गए, पर अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्यों हम लोग सोए रहेंगे, आज हम लोग एसटीएससी थाना आए थे, अगर यहाँ से भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हम लोग आज तो थाना प्रभारी नहीं थे, फिर भी फ़ोन में बात हुई, वो बोले कि कल जाके हम वहाँ जांच करते हैं, अगर इसमें भी संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हम लोग सामाजिक तौर पर लड़ाई करेंगे, और जो भी वहाँ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं उसे मार के भगाएंगे। नहीं नहीं देखिए यहाँ इस मामला में देखा जाए तो जितने लोग हैं सब बाहरी हैं, आप देख सकते हैं हम लोग जो FIR करने जा रहे हैं वहाँ सारे गैर आदिवासी हैं। अगर बाहरी मतलब यहाँ के आदिवासी लोग मिले रहते तो हम लोग उस पर चढ़ाई करते, उनका बहिष्कार करते, पर जितने लोग हैं सब बाहरी लोग हैं। मैं पवन तिर्की, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। वही हम लोग काला जो महिला हम लोग जुटे थे तो काम चल रहा है, हम लोग पूजा पाठ किए, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा लंच में घर चल गए हैं। हम लोग को 13 तारीख को कुछ हम लोग को बड़ा सा प्रोग्राम करना है, तो हम लोग चलो रे थोड़ा सा पानी उनी पी लेते हैं और कोनो अपना व्यवस्था करेंगे उस दिन का आने वाला के लिए, आदमी को इधर उधर हम लोग को अथी उथी मैंने करना है। तो फिर देख रहे हैं तो इधर से दूगो GSP लगा और अपन खोदने लगा बिना समझने बूझने, तो हम कहीं भाई काल परसों हम लोग को मिट्टी अथी करना है, सरना अथी सभा करना है और काहे
खोदा रहा है, तब हम कहे काहे ले मने काहे किसका अथी अनु अथी से अथी आप लोग काम करने लगे और दादा जी अथी खोदने लगे खने नहीं कौन आप काम रोकने वाला है, हम कहीं काहे नहीं रोकेंगे, कही के गाड़ी को ऐसा करके अथी कर डंटा अथी में रोको गाड़ी तो अभी गाड़ी को आग लगा देंगे, कही के बोले तो वही आया परका झा था मूर्ख मैंने जाति प्रजाति साची उची कही के मैंने करिया कोल्हिन सब कही के जाति सूची बहुत अच्छा बुरा गाली दिया है, तो हमको बहुत खराब लगा है कि भाई उस जगह हम लोग कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, अब हम लोग महिला जागे हम लोग मानेंगे नहीं, अगला हम लोग अब हम लोग जाग चुके उतना दिन हम लोग सुतल थे मगर अब हम लोग सुतल नहीं रहेंगे, हम लोग सब मिल के जोटा पूरा हम लोग महिला जितना हम लोग सघंटन महिला हैं जो भी है हम लोग माए बहन हम लोग को माए बहन की इज्जत है कि नहीं है से हम लोग अब लोग मानेंगे नहीं, हम लोग का तो बेटा भतार मने जैसे का है ना हम लोग का कमजोर सोच दिया हम लोग का बेटा भतार को तो से ले हम लोग विधवा है हमारा आदमी नहीं है तो इसलिए क्योंकि सब बोल रहा है कि नहीं सबका कोई नहीं है, हम लोग का बहुत बड़का ताकत है, ताकत को हम लोग को नहीं चिन्हा है से ले हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, अब जहाँ भी जाएंगे हम लोग कुछ करने के लिए सोच रहे हो और आगे हम लोग करके दिखाएंगे, मगर हम लोग जमीन तो एक टुकड़ा नहीं जाने देंगे, आज नहीं कल हम लोग करके दिखाएंगे, काम चल रहा है और मना किए रात भर अति डोजर चला है रात भर डोजर चलाया, हम लोग तो उस समय फिर यहाँ से खूब अति थाना गया थाना फरवारी से मना किया डोजर को हम अति बंद करवाए बंद तो हम ही कर कर फिर खड़े था तब बोला अति थाना प्रभारी कि हटा दो अति को नहीं तो अति कुछ भी हो सकता है कही के, तो फिर बोला कि नहीं अति हटा दिया, तो फिर हम लोग चल भाई जो भी गाली गुप्ता हुआ जब उसे चल गया तो हम लोग भी आए 7-8 बजे चल आए, उसके बाद में 8:30-8:30 से फिर 2 गो डोजर रसगर चला है मने नेमहानगर चुनी टोंगरी नेक्सा का पाछे DAV स्कूल का पूर्व साइड पता नहीं अभी तो सुबह तो नहीं चल रही थी, कल ऐसे थर्सडे है बृहस्पतिवार को तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद हम लोग अपना अपना घर गए कहीं गए तो वहाँ देखे पूरा डोजर चल रहा है, हम लोग बृहस्पतिवार को कहीं जाते नहीं, हम लोग को तो उधर पूरा कितना किया उसको तो छोड़ ही दिए कुछ नहीं बोले कि जितना वर्षों से हम लोग का वहाँ धार्मिक स्थल है इंद टोंगरी है इंद मेला लगता है जहाँ झंडा उंडा लगा हुआ है वहाँ तक डोजरिंग किया, रोकने के लिए गए सारा गाँव का महिला लोग सारे कोई गए लेकिन उन लोग को भी गंदा गाली गोपोता सारा देने लगे पूरा और ढेला पत्थर करके पूरा मारपीट करने लगे, तो हम लोग को तो देखल नहीं जा रहा है कहेंगे हम वहाँ रहते हैं और इस तरह का देखा हुआ हमको बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, मतलब जीना हराम कर दे रहे हैं लोग, थाना वाला आया बस आपसी में थाना वाला रोक के चला गया फिर 10 बजे रात को थाना जैसे गया और महिला लोग गई उसके बाद रात में फिर डोजरिंग करना शुरू कर दिया, वो पंडरा ओपी पड़ता है नहीं दिन में तो आया था 4 बजे कुछ थोड़ा सा वो लोग शांति किया भगा दिया उसके बाद दोबारा फिर वो लोग रात में आया और डोजरिंग पूरा किया जितना बातचीत बाकी था सबको कर लिया, रात में थे सर तो रात में कौन निकलेगा महिला लोग रात में थे घर सामने है वो तो दिख रहा है घरे से, सर रात में कौन थाना वाला हम लोग को ये सपोर्ट कर दिन में नहीं करता है तो रात में कौन करेगा हम लोग को सारा थाना तो वही लोग का है। तो आपने सुना कि बाहरी लोग जमीन लूट रहे हैं और थाना वाला का भी मिलीभगत है ऐसा इन लोगों का कहना है। GN भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।